ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज फिर मनपा के सहायक आयुक्त महेश आहिर ने चांदनगर में एक अवैध इमारत पर कार्रवाई की है। अतिक्रमण विभाग के अमित गडकरी और जितेंद्र साबले के साथ महेश आहिर खुद कार्रवाई के वक्त मौजूद थे। इस अवैध निर्माणाधीन इमारत पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त महेश आहिर ने क्या कहा? सर, जिस तरह से आरोप लग रहा था कि TMC जो है अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन 10 तारीख से जो है कार्रवाई शुरू की गई है, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, क्या जिस तरह से अवैध निर्माण का मुमरा कौसा के परिसरों में निर्माण हो रहा है, तो क्या इस पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? मैंने जब 1 नवंबर 2018 को चार्ज लिया था, उसी टाइम मैंने कहा था कि मुमरा में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे मेरे कार्यकाल में। अभी एक महीने के लिए रमज़ान के लिए मेरा स्टाफ बिजी था, जो मुंबई पुणे रोड है वो फ्री रखने के लिए, तो उस बीच में मेरे स्टाफ रात को 12-1 बजे तक बिजी रहता था। उस बीच में कुछ लोगों ने काम किए हैं, ऐसे मेरे पास कंप्लेंट्स भी आई है, फोटोग्राफ्स आए हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन मैंने 15-20 दिन में मैं सब तोड़ दूंगा और इसके बाद भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा मुमरा में, कौसा में। जिस तरह से इस्माइल अपार्टमेंट में कार्रवाई की गई, उसका दूसरा मंजिला तोड़ा गया, लेकिन उसके नीचे जो लोग रह रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग पूरी अवैध निर्माण है, तो फिर ऊपर का मंजिला तोड़ा गया, नीचे का क्यों नहीं तोड़ा गया? अगर कोई उसमें रहता है तो एक्ट में, MMC एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि उनको 268 का नोटिस देना पड़ेगा, 123, उसके बाद में 268C देना पड़ेगा, बाद में सीनियर PI जो रहते हो एरिया के, उनको 268(5) MMC एक्ट के थ्रू नोटिस देके उनको फिर निष्कासित करके तोड़ना पड़ेगा, ऐसा प्रोसीजर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन है नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, वो पूरी करके मैं कार्रवाई करूंगा। और जिस तरह से पानी की बात सामने आ रही है कि अवैध निर्माण में पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है और पानी अवैध निर्माण में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या वो अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे TMC की तरफ से? जो वाघुले हैं उन्होंने कहा था कि हम काट देंगे रमज़ान बाद, लेकिन अभी तक शायद काटा नहीं गया है। नहीं, अवैध कनेक्शन जितने भी है, मैं आज इसीलिए MMLA में आया हूँ, मैं इंजीनियर को अभी बुलाया दोपहर को, उनको मैं लिखित रूप से ऑर्डर दे दूंगा कि अवैध जो कनेक्शन लगाए वो कट किए जाए और जिन्होंने लगाए उनके ऊपर FIR दाखिल किया जाए और कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और उसको पानी भी नहीं मिलेगा। आचार संहिता लगी थी तो उस दौरान जो निर्माण हुए हैं या पहले से अवैध निर्माण जो हैं, तो क्या मनपा उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रद्द करेगी? पूरी तरह तोड़ के रद्द किया जाएगा सबको, जितने भी कंस्ट्रक्शन है सब पूरी तरह तोड़ दिए जाएंगे और इसके बाद दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा। यह ऑनरेबल कमिश्नर सर का भी ऑर्डर है और मेरा भी, मेरे स्टाफ को डायरेक्शन है और मैंने उनको हर महीने लिखित ऑर्डर दिया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो उसमें जिम्मेदार जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त महेश आहिर का कहना है कि इसी तरह से कार्रवाई होगी और अब पानी कनेक्शन जो भी इलीगल तरीके से लिए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। महेश आहिर का कहना है कि अवैध इमारत और अवैध पानी कनेक्शन दोनों पर कार्रवाई होगी। आने वाले दिनों में अवैध निर्माण और अवैध पानी कनेक्शन पर कितना लगाम लगता है, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।